हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आलू गोभी दम कड़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी, लाजवाब, एकदम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनके होता है रेडी, वो भी 15 मिनट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इधर मैंने 4 बड़े साइज के आलू को बॉयल करके उसे छील के ले ली हूँ। इधर मैं गोभी को अच्छे तरीके से फ्राई कर ली हूँ और एक ऑनियन को मैंने रफली चॉप्ड करके लिया है। तो चलिए बनाते हैं आलू गोभी दम कड़ी। इधर देखिए, मैं डाल रही हूँ इसमें ऑयल, ऑयल गर्म हो गया, इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा 1 टेबल स्पून के करीब एंड तेज पत्ता 1 और रफली चॉप्ड किया हुआ ऑनियन इसमें ऐड कर दे रही हूँ। इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, जिससे कि हमारा ऑनियन अच्छे से ब्राउन हो जाए। तो आप देख सकते हो हमारा ऑनियन भुन गया है। अब इसमें ऐड करूंगी कुछ मसाले, जैसे कि अदरक लहसुन, जिसको मैंने पहले से ही पीस के रखी हुई थी, और 1 टेबल स्पून करीब चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून करीब हल्दी एंड 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर रही हूँ इसमें धनिया पाउडर एंड नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार कम अधिक कर सकते हो। अब इसमें ऐड की हूँ थोड़ा सा पानी और अच्छे तरीके से मसाले को फ्राई करूंगी। तो देखिये, इसे मैं कवर करके छोड़ दी थी 5 मिनट के लिए कि हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इसमें अब ऐड कर रही हूँ टमाटर, जिसको मैंने ऐसे ही छोटे टुकड़ों में कट करके ली हूँ। अब इसे मैं इसी के साथ इसमें ऐड कर दूंगी गोभी, जिसको मैंने पहले से ही फ्राई करके रखी हुई थी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही झटपट बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनके होता है रेडी आलू गोभी दम कड़ी। अब इसे मैं कवर करके 5 मिनट के लिए फ्राई होने दूंगी। तो देखिए, 5 मिनट हो गया कम्प्लीट और हमारा गोभी मसालों के साथ अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं बॉयल किया हुआ आलू, जिसको मैं पहले से ही बॉयल करके रखी हुई थी। अब सभी को अच्छे तरीके से मसालों के साथ मैं मिक्स करते हुए चलाऊंगी और इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो देखिए, इधर हमारा आलू और गोभी दोनों मसालों के साथ अच्छे तरीके से भुन गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी 1/2 गिलास के करीब। पानी आप अपने अनुसार कम अधिक कर सकते हो एंड 1 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला, और सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी धनिया की पत्ती, जिसको मैं कट करके इसमें डाल रही हूँ। इससे हमारी सब्जी का टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो आप देख सकते हो सब्जी हमारा अच्छे से हो गया है। अब मैं कुकर के ढक्कन को बंद कर दूंगी और 2 सीटी आने तक वेट करूंगी। तो इधर देखिए, फाइनली फ्रेंड्स, हमारा सब्जी बनके हो गया है रेडी। आप इसे चावल रोटी किसी के साथ खा सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। कमेंट में जरूर बताएगा कि हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, जिससे कि मैं और भी नई नई रेसिपी आप लोगों के साथ लेके आ सकूं। थैंक यू।